गुड मॉर्निंग क्लास। से हैं आप सब? आई होप कि मैंने आपको जो लेसन पढ़ाया था आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा और उसको समझने की कोशिश की होगी। तो आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, खिलौनों की सभा। बेटा इस लेसन में खिलौने हैं जो वो आपस में बात कर रहे हैं। आजकल क्या है, आप लोग बच्चे क्या करते हो, आप जब स्कूल से जाते हो, ठीक है ना, आपने अपना होमवर्क किया, उसके बाद आप टीवी देखने लग जाते हो या फिर आप मोबाइल्स में खेलने लग जाते हो या फिर आप कंप्यूटर में बैठ जाते हो, तो आप अपने खिलौनों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। आज के जो बच्चे हैं वो खिलौनों से बहुत कम खेलते हैं, तो इस वजह से क्या है, जो खिलौने होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, सभा करते हैं। तो अगर आप अपने आप को खुद वो करेंगे कि आप कितना खिलौनों को खेलते हैं, तो आपको लगेगा कि आप खिलौनों से खेलते ही नहीं हो। आप क्या करते हो, या तो कंप्यूटर में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो या फिर मोबाइल में या फिर और भी। तो जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग बेटा बहुत से गेम्स खेलते थे, हम इंडोर गेम्स खेलते थे, आउटडोर खेलते थे, लेकिन आज के बच्चे क्या हैं, जो आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है, कंप्यूटर अच्छा लगता है या फिर मोबाइल या फिर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस वजह से जो ये खिलौने होते हैं वो क्या करते हैं, एक सभा करते हैं और आपस में बात करते हैं कि जो दो बच्चे हैं, इसमें दो बच्चों के बारे में बताया, सावरी और मनु, तो वो उनका इंतज़ार करते रहते हैं कि ये कब स्कूल से आएंगे और कब अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारे साथ खेलेंगे। तो इसमें देखिए कि क्या है इस लेसन में, कि जो मनु और सावरी हैं वो स्कूल से आते हैं, ठीक है ना, उनकी मम्मी उनको खाना खिलाती है और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना होमवर्क करने बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि जो खिलौने होते हैं वो आपस में देखते रहते हैं कि भाई ये मनु और जो सांवरी हैं वो कब मेरे साथ खेलेंगे, लेकिन जो मनु और सांवरी होते हैं वो अपना क्या कहते हैं, होमवर्क करने के बाद क्या है, वो कंप्यूटर में बैठ जाते हैं, ठीक है ना। अब जब वो कंप्यूटर में बैठ जाते हैं तो उसके बाद भी उन्हें लगता है कि अब जब ये कंप्यूटर में जब अपना काम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये हमें खेलेंगे, लेकिन क्या होता है उसके बाद भी वो क्या है, थोड़ी देर टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो इसके बाद जो फुटबॉल होता है वो उसे बहुत गंदा लगता है, वो बोलता है कि भाई हम इस जो पेटी है, इस पिटारी में बहुत टाइम से पड़े हुए हैं, कोई हमारे साथ खेलता ही नहीं है। इसी तरीके से जो लूडो होती है वो बोलता है कि क्या कहते हैं, मेरी जो ये सांवरी और मनु है ये तो मेरी कोटियों को भूल ही गए। इसी तरीके से जो वो होता है बैट होता है कि आज के बच्चे मुझे हाथ ही नहीं लगाते हैं बैट को, बैट बॉल खेलते ही नहीं है। इसी के बीच में क्या है, पज़ल समझते हो ना, जो हम आपस में जोड़ते हैं, तो पज़ल भी आके बोलता है कि भाई ये बच्चे तो क्या है, मेरे साथ खेलते ही नहीं, अब एक दिन क्या होगा कि ये दोनों क्या है, मुझे रद्दी में डाल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब तो क्या है, जो मनु और सांवरी हैं वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, कंप्यूटर में ही खेलते हैं। इसी बीच क्या होता है, जो बुक्स होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी जो कॉमिक्स बुक्स हमारी जो हम पढ़ते थे नॉलेज के लिए, वो बुक्स किनारे में रखी रहती है, तो वो भी बोलती है अरे हमारे ऊपर भी क्या है, धूल पड़ गई है, अब ये हमें पढ़ेंगे ही नहीं। तो अब बाद में क्या होता है कि उनके दिमाग में एक बात आती है और वो सब क्या करते हैं, सारी बात सुनते रहते हैं। तो अब एक टैडी बियर होता है, वो भी सुनता रहता है, तो वो बोलता है कि उदास मत हो, चलो साथियों, दादी माँ के पास जाते हैं। तो सारे खिलौने मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं और सब अपनी अपनी बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब जब क्या कहते हैं, वो दादी से बात करते रहते हैं, तो मनु और सांवरी क्या है, बीच में जग जाते हैं, उड़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब वो देखते हैं, वो क्या कहते हैं, खिलौनों की बातें सुनते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि वाकई हम लोग कितने बिजी हो गए हैं, मतलब हम स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क के बाद क्या कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर खेल रहे हैं, कंप्यूटर के बाद क्या है, फिर टीवी देख रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या है, खिलौनों को देख ही नहीं रहे। तो उनको बहुत वो होता है, तब वो क्या बोलती है, उनको दोनों को बहुत वो प्रायश्चित होता है, तब वो अपने खिलौनों के पास जाते हैं दूसरे दिन और बोलते हैं प्यारे दोस्तों कि आज से हम आपके साथ खेलेंगे, कल संडे, तो हम सबके सब क्या करेंगे, बैट और बॉल का मैच करेंगे और खाने के बाद क्या है, दिन भर मैं बुक्स पढ़ूंगी, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने सारे मित्रों को बुलाते हैं और सबके सब क्या करते हैं, फुटबॉल, अपना बैट बॉल खेलते हैं और क्या कहते हैं, कुछ देर बाद क्या है, मिलके क्या है, वो पजल्स भी बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, वो धीरे धीरे अपने गेम्स खेलते हैं और जब सारे गेम्स खेलते हैं तो तब इससे क्या है, खिलौने क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग कितनी बड़ी चीज़ें खो रहे हो आजकल, आप खिलौने खेलते ही नहीं हो, आप बाहर जाते ही नहीं हो, मैदान में जाते ही नहीं हो, आप
बैट बॉल नहीं खेल रहे हो, फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, रैकेट है, बहुत से जो है आउटडोर गेम्स है आजकल बच्चे नहीं खेलते, क्योंकि वो अपना टाइम क्या है किसमें स्पेंड कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, मोबाइल में कर रहे हैं। और इसके साइड इफेक्ट भी है, इससे क्या आजकल आप देख रहे होंगे कि आप बच्चों में क्या जल्दी से क्या है आपके चश्मे लग जाते हैं, स्पैक्स लग जाते हैं, आपकी आई साइट वीक हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग क्या है इन चीज़ों में, माना कि आपकी आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ठीक है ना, आपको कंप्यूटर में भी बैठना है, मोबाइल भी देखना है, लेकिन जितना टाइम आपकी क्लास होती है उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद बेटा आप बाहर जाइए, मैदान में खेलिए, ठीक है ना। आपके इंडोर गेम्स है, लूडो है, कैरम है, इन चीज़ों को भी क्या कीजिए काम में लाइए। ज़रूरी नहीं है कि हमने मोबाइल में ही गेम्स खेलना है, ठीक है ना, ये एक वो हो जाती है, अगर आप मोबाइल्स में गेम नहीं खेलोगे तो आपकी आंखें भी बची रहेगी, क्योंकि मोबाइल्स में इतने गेम्स आ गए हैं और उसमें इतनी जल्दी से कलरों का कॉम्बिनेशन आता है कि जो आपकी क्या है आंखों में क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। तो आई होप कि आप लोग क्या कहते हैं आज से ज़्यादा मोबाइल में नहीं बैठेंगे, कंप्यूटर में नहीं बैठेंगे, अपने खिलौनों के लिए क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो चलिए अब इस लेसन को रीडिंग करते हैं। सांवरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं, ठीक है ना। तो जो सांवरी होती है वो माँ से बोलती है, माँ बहुत भूख लगी है। तो माँ बोलती है कि खाना तैयार है, जल्दी से आप क्या कर लीजिए, कपड़े बदल कर हाथ मुँह धो लो। तो जो मनु बोलता है, अरे वाह, राजमा चावल तो मेरा क्या है, मनपसंद खाना है। मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन क्या रखते हैं, रसोई में रखते हैं। मनु तब तक क्या कर देता है, मेज साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है और थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकाल कर जागते हैं। अब एक गुड़िया बोलती है कि अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलें। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। और इससे क्या है, सभी जो खिलौने होते हैं वो उदास हो जाते हैं। तो जो फुटबॉल होता है वो कहता है कि हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही है, हमारे साथ कोई खेलता ही नहीं है, मैं पिचक कर रह गई हूँ, सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं और मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। तो उसके बाद जो लूडो होता है वो बोलता है कि हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियाँ भी मुझसे बिछुड़ कर रह गई है। तभी बैट भी बोलता है कि ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे क्या है हाथ नहीं लगाते, मैंने आपको बताया था ना कि आजकल आप लोग खिलौनों के साथ नहीं खेलते हो, तो इससे क्या है जो ये खिलौने हैं वो क्या हो गए हैं, उदास हो गए हैं। तो जब इन सब की बातें सुनकर जो पज़ल होती है वो भी सामने आती है और वो भी बोलती है। दोस्तों यही हाल रहा तो सांवरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे, एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को खेलने भी नहीं जाते। तो फुटबॉल बोलता है हमारे साथ खेले, खुली हवा में भागे दौड़े, तो उनका भी जो शरीर है वो क्या होगा, चुस्त रहेगा। तो तभी क्या होती है, जो बुक होती है, किताब रखी हुई होती है, तो वो बोलती है कि हमारे ऊपर तो क्या है, धूल जम गई है, किताब भी उदास है। सब खिलौने बोलते हैं कि घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की भी क्या होगी, कसरत होगी। तो किनारे में एक टेडी बियर होता है, वो अपने साथियों की बात सुन रहा होता है। तो वो बोलता है कि उदास ना हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगे। तो सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं और दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। तो सबकी बातों से क्या है, जो सांवरी और मनु होते हैं वो जाग जाते हैं और वे जब खिलौनों की बात सुनते हैं तो उनकी समझ में आता है कि ये जो खिलौने हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है ना। सांवरी बोलती है, हमारे प्यारे दोस्तों आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे, आज रविवार है मतलब संडे है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए, खाने के बाद क्या है मैं दिन में किताबें भी पढ़ूंगी। तो जो मनु होता है वो बोलता है कि आओ मित्रों को बुलाते हैं, बाहर कितना सुहाना मौसम है, कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं और फिर बैठकर पजल बनाएंगे। तो जो मनु होता है वो पंप से फुटबॉल में हवा भरता है और गीत गाता हुआ चल देता है। तो जो कंप्यूटर होता है वो ये देखकर मुस्कुराता है और सब खिलौने बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है ना।
अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खेल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं, चाहे आप आउटडोर गेम खेल रहे हो चाहे इनडोर गेम खेल रहे हो। इससे क्या होता है, हमारा शरीर चुस्त होता है और क्या दिमाग की कसरत भी होती है। तो बेटा आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा।